हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यानी यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाले सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मेरी आप लोगों से ये एडवाइस रहेगी कि आप पिछली क्लास की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो पहले देख लीजिएगा और उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 के न्यूमेरिकल्स को एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए आपको डिविजिबिलिटी का पता होना जरूरी है कि कोई भी नंबर किससे डिविजिबल है, इसको कैसे चेक करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 2 का। सबको पता है कि अगर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आ जाए, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है, आपको ये चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7, 2, 3, 1 और आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है 7 + 2 + 3 + 1, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आसान तरीका क्या रहता है, शॉर्टकट क्या रहता है कि जैसे ये 3 का मल्टीपल है, इसको सम में काउंट ही मत करो। 7 + 2 9, 9 भी 3 का मल्टीपल है, इसको भी काउंट मत करो, सिर्फ 1 बच गया। क्या 1 3 का मल्टीपल है? नहीं, तो इसका मतलब इसका सम भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 7, 4, 2, 6, 9, 1, 1, तो मैं क्या करूँगा, देखता हूँ। जैसे 9 3 का मल्टीपल है, तो सम जब ऐड करने लगोगे तो आप 9 को ऐड मत करना, 6 को भी हम नहीं काउंट करते, ये भी 3 का मल्टीपल है। 4 और 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल बन गया। 7 1 9 और 1, 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 3 का मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और शॉर्टकट, आसान तरीका क्या रहता है कि इनमें से जो जो नंबर्स 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, जिनका सम 3 का मल्टीपल बन रहा है, उनको डिलीट करते जाओ मन ही मन, और फिर देखो कि क्या अब ये बचा हुआ सम 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो सबको पता ही है कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब यूनिट प्लेस पर 0 या यूनिट प्लेस पर 5 आए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 के लिए भी होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 के लिए भी होता है, लेकिन क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं, 4 और 6 प्राइम फैक्टर्स नहीं, 4 और 6 खुद प्राइम नंबर्स नहीं है, तो इसलिए उनके डिविजिबिलिटी टेस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कि कोई एक नंबर दे रखा है आपको, मान लीजिए आपको ये नंबर लिखा है 7, 8, 2, 3, 6, 4, और आपको चेक करना हो कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो आपको सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं। अब 64 अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब
ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि लास्ट के दो डिजिट से जो नंबर बन रहा है, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन हम चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बना रहे हैं तो हमें 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 6 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। 6 का क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि नंबर इवन होना चाहिए, यानी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, या और साथ साथ इन सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं कि हमें कोई नंबर दे रखा हो और हमें चेक करना हो कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। बहुत सिंपल तरीका होता है, ओड प्लेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लो, इवन प्लेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लो। जरूरी नहीं है कि ओड में से इवन वालों को सब्ट्रैक्ट करना, आप इवन में से ओड को भी कर सकते हो। अगर ये डिफरेंस 0 आ गया, 11 आ गया, 22 आ गया, यानी कहने का मतलब क्या है, 11 का मल्टीपल आ गया, तो वो नंबर पक्का 11 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है, तो क्या नंबर है, इस नंबर के हम इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम लेते हैं। जैसे पहला डिजिट 3, फिर 6, फिर 3, एक एक छोड़ के इन तीनों को ऐड कर लो, 3 + 6 + 3 हो गए 12, इन दोनों को ऐड कर लो, जो बच गई 12, सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 0, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको नंबर दे रखे हैं 924121, हम क्या करेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 9 + 4 + 2 9 + 4 13 13 और 2 15, में से माइनस कर देते हैं बचे हुए डिजिट्स का सम, यानी 2 + 1 + 1, अब ये डिफरेंस आ गया मेरे पास 11, और चूंकि डिफरेंस 11 है तो ये नंबर पक्का 11 से डिविजिबल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम एक एक करके सारे पार्ट्स डिस्कस करते हैं। पहला है 140, बहुत ही सिंपल है, 140 सबको पता है 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70, 72 से डिविजिबल है तो 35 को 5 से डिवाइड किया 7, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 आ गया 2 बार, 5 आ गया 1 बार, तो 140 के फैक्टर्स हो गए 2² × 5 × 7। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, 156 आपको दिखाई दे रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा और फिर 2 8 जा, फिर 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा और 2 9 जा, 39 3 और 9 क्लियरली विजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 × 13 और इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास 2² × 3 × 13, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए 2² × 3 × 13। अगले क्वेश्चन पे पार्ट में मूव करते हैं, 3825, तो 3825 देखो लास्ट डिजिट 5 है, मैं चाहता तो इसको 5 से भी पहले स्टार्ट कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती, लास्ट प्लेस पे 5 है तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मुझको क्लियरली दिख रहा था कि 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिविजिबल है,
हालांकि और अगर इसको शॉर्ट में देखना हो तो मैं क्या करता, थ्री तो थ्री का मल्टीपल है, इसको सब में लूंगा ही नहीं, मैं सब में क्या क्या ले लूंगा, एट और टू टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन थ्री का मल्टीपल है तो ये नंबर थ्री से पक्का डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको थ्री से डिवाइड कर दिया, थ्री वन जा, थ्री टू जा, थ्री सेवन जा, थ्री फाइव जा, वन टू सेवन फाइव। अब देखो फिर से ये थ्री से डिविजिबल है, कैसे, वन प्लस टू थ्री है थ्री का मल्टीपल, सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, आ गया थ्री का मल्टीपल, थ्री से डिवाइड किया ये आ गया फोर ट्वेंटी फाइव, फोर फोर ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड किया एट्टी फाइव, एट्टी फाइव सेवनटीन, फाइव जा होता ही है तो फाइव सेवनटीन। तो हमने क्या देखा, तीन आया दो बार, पाँच आया दो बार, सत्रह आया एक बार, तो थ्री एट टू फाइव के प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर इंटू सेवनटीन। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 5005, 5005 लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 1001। अब जरा देखो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, साफ साफ पता लग रहा है कि ये नंबर पक्का 11 से डिविजिबल है, हालांकि ये 7 से भी डिविजिबल है, लेकिन जब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो हम क्यों ना पहले इसका 11 से डिवाइड कर ले। तो देखो इन दोनों प्लेसेस का सम, फर्स्ट प्लेस और थर्ड का सम, सेकंड और फोर्थ का सम बराबर है, यानी इनका डिफरेंस जीरो है, तो ये नंबर पक्का 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 नाइन जा 99, 11 वन जा 11। अब 91 सबको पता है 13 सेवन जा होता है, तो 7 यहाँ 13 यहाँ, तो 5050 के फैक्टर्स बन गए 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 30। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7429 के बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, 7429 हम स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले हम देखते हैं 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 2 से तो नहीं हो रहा क्योंकि पीछे ओड है, फिर हमने क्या देखा 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए इनका सम किया, देखा सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में 9 है, 5 के बाद 7 से हमने इसको डिवाइड करके देखा, 7 वन जा 7, 7 सिक्स जा 42 और ये 9 नहीं आ रहा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमारा को साफ साफ दिख रहा है कि फेल हो रहा है, कैसे 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 और 4 13, 7 और 2 9, 13 माइनस 9 4 आ गया, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर किस से डिवाइड नहीं हो रहा, ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। याद रखना बच्चों, आपको हमेशा डिवाइड कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले 2 से, फिर 3 से, 4 कंपोजिट है, 4 का नहीं 4 से नहीं करेंगे, 2 3 5 7, 7 के बाद चलेगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, यानी जो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, इसको 17 से डिवाइड किया तो देखा 17 4 जा, फिर 3, फिर 7, तो ये 17 से डिवाइड होके यहाँ आ जाएगा 437। बहुत सिंपल है, आप लोग डिवाइड कर सकते हो। फिर 437 को दोबारा 17 से डिवाइड करके देखा, नहीं हुआ, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 19, हमने 19 से डिवाइड किया तो ये 23, तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 17 इंटू 11 इंटू 23। ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट दोनों सेम आते हैं। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स, सबको पता है 2 इंटू 13, 91, 13 7 जा 91, तो 7 इंटू 13। जब आपको HCF लेना होता है तो कॉमन फैक्टर लिया जाता है, HCF में बच्चे कॉमन फैक्टर लिया जाता है, तो हमारा कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है हमको 13, तो हमारा HCF हो जाएगा 13। LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
जैसे यानी बड़े वाली पावर से ली जाती है, जैसे ऊपर 2 की पावर 1 है, नीचे 2 है ही नहीं, इसका मतलब 2 की पावर 0 है, तो आ जाएगी 2 की पावर 1, और 7 की पावर भी 1 यहाँ है, ऊपर नहीं है, तो 7 की पावर 1 भी एलसीएम में आएगा, 13 ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो 13 की पावर 1 ली जाएगी, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 13 और एलसीएम आ जाएगा 2 × 7 × 13, तो क्या आया एक बार चेक कर लेते हैं, एचसीएफ 13, एलसीएम आया 2 × 7 × 13, यानी कि 182। आगे बढ़ते, फिर हमें वेरीफाई भी करना है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर सेम है, तो हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ को करते हैं मल्टीप्लाई, इस 13 को मल्टीप्लाई कर दिया 182 से, 13 को जब 182 से मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 2366। फिर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब 26 को मल्टीप्लाई करना है 91 से, तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई किया 2366, तो हमने क्या देखा, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। अब आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 510 और 92 के प्राइम फैक्टर्स बना करके हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल है, तो चेक करते हैं बच्चे। हमने पहला काम किया, क्या किया, 510 के प्राइम फैक्टर्स जैसे पीछे हम कर रहे हैं, बड़े आसान है, आप लोग बना लेंगे, 92 के भी प्राइम फैक्टर्स बना लिए, तो हमने देखा 510 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 17 एक बार आ रहा है, तो 2 × 3 × 5 × 17, 92 में देखा 2 आ रहा है दो बार, 23 आ रहा है एक बार, तो 92 के फैक्टर्स हो गए 2² × 23। तो अब एलसीएम देखना है मेरे को और एचसीएफ देखना है, पहले एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या आ रहा है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, सिर्फ 2 की पावर 1 कॉमन है, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है नीचे नहीं है, 23 नीचे है ऊपर नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2, तो हमारा HCF हो जाएगा 2। अब बात करते हैं LCM की, LCM में हमको बड़ी पावर देखनी होती है, जैसे यहाँ नीचे 2 की पावर 2 ज़्यादा है, अब देखो 3 ऊपर है नीचे नहीं है, यानी 3 की पावर 0 है नीचे, तो ज़्यादा पावर कितनी होगी, 3 की पावर 1, ऐसे ही 5 की पावर 1, ऐसे ही 17 की पावर 1, ऐसे ही 5 की पावर 1, ऐसे ही 17 की पावर 1, ऐसे ही 23 की पावर 1, इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम। तो व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ आया सिंपली 2, एलसीएम आया 2² × 3 × 5 × 17 × 23, मल्टीप्लाई किया तो आया 23466। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को करना है मल्टीप्लाई और दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट, और चेक करना है कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो चेक करते हैं एक बार। तो व्हाट इज एचसीएफ, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे इससे, और 510 को मल्टीप्लाई कर देंगे 92 से, और चेक करेंगे सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो चेक करते हैं, एलसीएम को मल्टीप्लाई किया एचसीएफ से, आया 2 × 2 = 3 = 4, ये आ गया 46920, ऐसे ही दोनों नंबर्स को यानी 510 को 92 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 46920, वेरीफाई हो रहा है, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर सेम, यही हमको वेरीफाई करना था। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर है इन दोनों से,
तो आप उसको खुद से कर लीजिएगा। ये एक ही पार्ट हमने इसके अंदर छोड़ा है, आप लोग एक बार उसको खुद से कर लीजिएगा। अब हम कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम पहला काम क्या करेंगे, 12, 15, 21 तीनों के बच्चे प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर सबको पता है, 2 × 2 × 3, 2² × 3, 15 × 3 × 5, 21 × 3 × 7, तो प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब देखना है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 जो है वो हमारा एचसीएफ है। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में हमको क्या देखना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब बड़े वाली पावर, जैसे 2 की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 है ज्यादा से ज्यादा। 3 की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 5 की पावर 1 है ज्यादा से ज्यादा। इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम। तो बच्चे एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा 2² × 3 × 5 × 7, मल्टीप्लाई किया 2² 4, 4³ 12, 12² 60, 67² 420। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो 17 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है। अगर 3 नंबर्स या 4 नंबर्स या 2 नंबर्स प्राइम हो तो कैसे करना होता है? अगर नंबर्स प्राइम हो तो इसका मतलब उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो इसका मतलब HCF हो जाएगा 1। और अगर HCF 1 हो तो LCM हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आई रिपीट, सिंस ऑल द नंबर्स आर प्राइम, therefore their HCF will be 1 and LCM will be their product। यानी इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11339। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में बड़ा सिमिलर सा है। अब ध्यान से देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को, देखने में बड़ी सिंपल बात है और क्वेश्चन है भी सिंपल, पर एक कंसेप्ट है। सेकेंड पार्ट में तीनों नंबर्स प्राइम थे, थर्ड पार्ट में तीनों नंबर्स प्राइम नहीं है, बट दे आर पेयर वाइज को प्राइम। बट दे आर को प्राइम का मतलब क्या है, 8 और 9 का कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 9 और 25 का भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ये पेयर वाइज को प्राइम है। तो 8, 9, 25 के हमने बनाए फैक्टर्स। 8 सबको पता है 2 × 2 × 2, 9 सबको पता है 3², 25 सबको पता है 5². क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो HCF हो जाएगा 1। और जब कभी HCF 1 हुआ और हमने देखा कि ये पेयर वाइज को प्राइम है, तो LCM हो जाएगा इन तीनों का प्रोडक्ट। तो लिख लेते हैं, HCF हो गया 1, LCM इन तीनों का प्रोडक्ट। याद रखना, अगर 3 नंबर्स हैं, LCM तीनों का प्रोडक्ट कब होगा, जब ये पेयर वाइज को प्राइम हो। पेयर वाइज को प्राइम का मतलब 8 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है, 9 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है, 8 और 25 में भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी 8 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 9 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 8 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा वो होगा तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमने पीछे डिस्कस किया था कि दो नंबर्स हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बच्चे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है 9 और हमको एलसीएम निकालना है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि ये फॉर्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दोनों नंबर्स का
प्रोडक्ट होता है। ये पता है आप लोगों को, HCF इंटू LCM उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो अगर LCM निकालना हो तो इस HCF को नीचे लाके डिवाइड कर दिया, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय देयर HCF, HCF क्या है 9, 306 इंटू 9 ये कट जाएगा, 9 वन जा 9, 3 जा 9, 4 जा 34 को मल्टीप्लाई कर दिया 657 से, यू विल गेट 22338। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि 6 की पावर n हमें चेक करना है कि क्या ये कभी 0 से एंड होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था कि 4 की पावर n क्या कभी ये 0 पर ख़त्म होगा, क्या उसका यूनिट प्लेस में कभी 0 आएगा। और हमने तब भी बताया था कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पर जीरो आए तो इसका मतलब ये होता है कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने बताया था कि फॉर ए नंबर टू एंड विद 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। और कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके फैक्टर्स में मिनिमम एक बार 2 और मिनिमम एक बार 5 आए। तो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है, जब इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर 2 एंड एट लीस्ट वन फैक्टर 5। अब बात कर रहे हैं 6 के पावर n के फैक्टर्स की। तो 6 की पावर n जो है, 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 × 3, यानी 2 की पावर n और 3 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार, n बार। ऐसे ही 3 की पावर n भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर n का मतलब क्या है कि 3 × 3 × 3 करना है, कितनी बार करना है, n टाइम्स करना है। तो 2 को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स, 3 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स में 2 तो दिखाई दे रहा है बट 5 दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या लिखेंगे हम कि सिंस इट डज नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर, साफ साफ दिख रहा है 5 इसका फैक्टर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। और चूंकि ये 10 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये कभी भी, इट विल नेवर एंड विद 0, कभी भी इसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो नंबर्स हैं ये कंपोजिट है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, हमें क्या प्रूव करना है कि ये दो नंबर्स कंपोजिट हैं। कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है, जब वो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो। मान लीजिए एक नंबर मैं लिखता हूं 5 × 7, कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं 5 × 7, तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि बीइंग प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स अदर देन 1। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 का प्रोडक्ट है वो नंबर कंपोजिट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं 7 × 11 × 13 + 13 में से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 13 आ रहा है कॉमन। 7 × 11 × 13 + 13 में से क्लियरली विजिबल है कि क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 13 कॉमन आ रहा है। 13 हमने ले लिया बाहर, अंदर यहाँ बचा 7 × 11, 13 बाहर है प्लस 1, बचा 7 × 11 × 1 × 1, मल्टीप्लाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 77 प्लस 1 हो गया 78। अब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, कोई भी नेचुरल नंबर जो दो नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 का प्रोडक्ट होता है वो नंबर होता है कंपोजिट। तो हम लिखेंगे बीइंग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अदर देन 1 इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। सेम मेथड हम सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। तो एक बार आप सोच लीजिए कि इसको कैसे करना है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 13 कॉमन आ रहा था बच्चे,
यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5. तो एक बार लिख देखते हैं कैसे करना है. तो नंबर क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. हमने दोनों में से कॉमन ले लिया. क्या कॉमन ले लिया, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया. 5 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, 5 कॉमन लिया, अंदर बचा 7 × 6, 5 बाहर आ चुका, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इंटू 4 × 3 × 2 × 1, ये सब लिख लिया, प्लस 5, इनको कर दिया मल्टीप्लाई, आया 1008, में कर दिया 1 ऐड, 1009, और इंटू 5. अब चूंकि ये दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है विच आर अदर देन 1, तो ये नंबर हुआ एक कंपोजिट नंबर. उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्या क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है, बना लेते हैं एक सर्कुलर पाथ अराउंड ए फील्ड, ये उसका सेंटर ले लिया हमने. सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है, लिखा हुआ क्वेश्चन में सोनिया टेक्स 18 मिनट्स. सोनिया यहाँ से चली, मान लीजिए इस डायरेक्शन में चली, तो ये 18 मिनट के अंदर एक राउंड पूरा कर लेती है, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. मान लो रवि इधर से सेम काम करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी रवि 12 मिनट में इसका एक राउंड कंप्लीट कर लेता है. क्वेश्चन क्या है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट ए सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. जैसे दोनों ने ए से स्टार्ट किया, सेम टाइम पर स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, तो बताना ये है कि वो दोनों वापस ए पर, दोनों वापस ए पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे. बहुत सिंपल बात है. देखो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, यानी 18 मिनट के बाद वो वापस ए पे आ जाएगी. 18 मिनट्स के बाद ए पे आई तो 36 मिनट के बाद भी ए पर आएगी. 18 × 2 = 36 मिनट में उसके दो राउंड हो जाएंगे, 54 मिनट में उसके तीन राउंड हो जाएंगे, एंड सो ऑन. यानी वो हर 18 मिनट के बाद ए पर मिलेंगी, यानी 18, 36, 54 इन मिनट्स पे, एंड सो ऑन. अब रवि कब कब मिलेगा, 12 मिनट बाद ए, फिर 24 मिनट बाद ए, फिर 36 मिनट बाद ए पर पहुंच जाएगा, एंड सो ऑन. हमें बताना क्या है कि ये दोनों वापस ए पर कब मिलेंगे. तो बहुत सिंपल, कब मिलेंगे, जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा. पहली बार कब मिलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर मिलेंगे. पहली बार कब मिलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर मिलेंगे. तो हमको करना क्या होगा, जस्ट 18, 18 और 12 का लेना होगा एलसीएम. लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि सोन टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड 12 मिनट्स. दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इन या आफ्टर, या इनकी जगह आफ्टर भी कर सकते हैं, आफ्टर एलसीएम ऑफ 18, 12 मिनट्स. तो हमको लेना है 18 और 12 का एलसीएम. बहुत सिंपल एलसीएम लेना, प्राइम फैक्टर्स बना करके. 18 के बना लिए प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 3, 12 के बना लिए प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 3. एलसीएम में हमको लेनी होती है बड़ी पावर्स. यहाँ 2 की पावर 2 बड़ी है, यहाँ 3 की पावर 2 बड़ी है, तो एलसीएम हो गया 2² × 3², यानी 4 × 9 = 36. तो हम कह सकते हैं कि दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन एट ए आफ्टर 36 मिनट्स. दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स. तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब हम अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स. हम सीखेंगे कि √2, √3, √5 वगैरह इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, उनके प्रूफ हम पढ़ेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर जल्दी ही मिलते हैं आपको अगली क्लास में. थैंक यू वेरी मच.